हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज महेंद्रगढ़ में सुरेंद्र कौशिक अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान अनेकों गाँव का दौरा करते हुए गाँव मंडोला में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने पर गाँव के बड़े बुजुर्गों ने फूल मालाएं व सम्मान की पगड़ी पहनाकर सुरेंद्र कौशिक का जोरदार स्वागत किया। सुरेंद्र कौशिक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने लोगों से 3 तारीख को महेंद्रगढ़ में नामांकन दाखिल करते समय भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सुरेंद्र कौशिक ने पूर्व वर्तमान विधायक को निशाने पर लेते हुए कहा, इन दोनों नेताओं ने 45 साल राज किया है और उन्होंने बारी बारी महेंद्रगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब महेंद्रगढ़ की जनता इन दोनों नेताओं को नकार चुकी है और एक नया चेहरा महेंद्रगढ़ में उभर कर आ रहा है। सुरेंद्र कौशिक ने गांव के लोगों से 21 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने की बात कही। कई आदमी कहते हैं कि निर्दलीय, गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा, निर्दलीय गृह मंत्री बना हरियाणा का। राम नरेंद्र ने चुनाव लड़ा, निर्दलीय स्वास्थ्य मंत्री बना हरियाणा का। और मेरे को तो सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले इसलिए बनाएंगे कि मैं दो आदमियां, एक तो है धारा 370 और एक है 35A। और जब मोदी ने तो तोड़ी कहां पे, जम्मू कश्मीर में, और थार ला साथ से आपा तोड़ांगा फिर महेंद्रगढ़ में, और दो धारा तोड़ के आपा चंडीगढ़ पहुंच आगे तो फिर सीट आपा न मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जन समूह जैसे आपके समर्थन में देखने को मिला है, क्या कहेंगे सर? मांडोला मेरा खुद का गांव है, मांडोला हमारा परिवार है, मांडोला में मेरा बड़ा प्रेम प्यार साथ है। मांडोला गांव के बुजुर्ग मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद रखते हैं। इस गांव में हम बहुत साथी आपस में साथ पड़े हैं। जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन था, मेरे वार्ड में ये गांव नहीं आता था, परंतु गाँव मेरा था, इसलिए इस गाँव में मैंने समान रूप से जिस प्रकार से मैंने जाट गांव मेरा खुद का गांव है, पाली गांव खुद का गांव है, उस गांव में विकास करवाया, उसी प्रकार से मैंने मांडोला में भी करवाया। मांडोला गांव का हर वक्त मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है। हम रोज़ाना, मैं तकरीबन कोई ऐसा दिन कम ही होता है कि मांडोला में नहीं आता, मैं आता जाता रहता हूं। और ये अपना परिवार का हिस्सा है और ये लोग मेरे साथ हैं। जैसे कि ये सुनने को आ रहा था, जैसे ये जो मांडोला गांव और इस एरिया के जो गांव हैं, ये कांग्रेस के रहते थे, तो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, ये कभी कांग्रेस के नहीं रहते, इनके अंदर एक अपने की भावना है, ये सदा जो काम करता है उसकी तरफ चलते हैं। पीछे शर्मा जी ने जब काम नहीं किए थे तो शर्मा जी को इन्होंने छोड़ दिया, तो राव दान सिंह को अपनाया। फिर राव दान सिंह ने काम नहीं किए तो राव दान सिंह को छोड़ दिया, इन्होंने दोबारा से शर्मा जी को अपनाया। अब की बार हमने सब ने मिल करके एक निर्णय लिया कि ये दोनों काम के नहीं हैं, तो इन्होंने मेरे को अपने बीच में से खड़ा किया कि आप जा कर के चुनाव लड़ो और बाबा केसरिया के आशीर्वाद से हम सब विजयी करके लेकर के आएंगे। ये कभी कोई कांग्रेसी वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, ये धर्मात्मा गांव है, ये धर्म की नगरी, इस नगरी में सबसे बड़ा मेला भरता है। ये जो बाबा का मेला है, केसरिया का मेला, वो हर साल कई गुना बढ़ता जा रहा है। तीन तीन चार चार दिन लोग सोते नहीं। इस गांव की जो भावना है वो धर्म के प्रति बड़ी अडिग भावना है और मैं सदैव इनके साथ रहता हूं, यहां से मैं प्रेरणा लेकर के जाता हूं। ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार मेरे साथ है। जैसे ये सुनने को आ रहा है कि जैसे शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और गाँव में भी जैसे विकास कार्य नहीं देखने को मिला, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मंत्री को, यहाँ के विधायक को जिम्मेदार मानते हैं। तो विपक्ष भी इसमें जैसे होना चाहिए, जैसे विपक्ष नहीं होता जब तक विफल होता है सारा। यहाँ पे दो आदमी ऐसे हैं कि एक तो हार के चला जाता है, एक जीत के चला जाता है। जीतने वाला काम करने के लिए नहीं आता, हारने वाला फिर उसकी आलोचना करने के लिए नहीं आता। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मिले हुए, और ये वो उसके खिलाफ नहीं बोलता, वो उसके खिलाफ नहीं बोलता। ये तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या 5 साल में रावदान सिंह ने आकर के कभी कहा कि काम नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा उन्होंने कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन कोई किया हो सरकार के खिलाफ, शर्मा जी के खिलाफ? वो तो उसलिए नहीं आए, डरते रहे कि भाई कभी कोई मुकदमा ना करवा दें, कभी और कुछ ना करवा दें। शर्मा जी को करना नहीं था, वो अहंकार में चूर। जिन लोगों ने 85,000 वोट दिया, जितना जो अपना ईमान धर्म सब कुछ दिया, पैसा दिया, और 85,000 वोट लेकर के, पैसा लेकर के, सब कुछ लेकर के इन लोगों को ठगने का काम किया, और जो भी उसके घर पे गया उसकी बेइज्जती की और उसको धमकाने का काम किया, उसको उसने ठंडा पानी नहीं पिलाया।
बहुत अच्छा।